हेलो एवरीवन, आई एम रंजीत तोमर फ्रॉम रघु इंटरनेशनल स्कूल। आज फिर मैं क्लास 6 के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। लेकिन बेटा आज बात करूंगा 2 मिनट पहले। क्यों बात करूंगा, क्यों जरूरत है आपकी बात करने की? बेटा आप लोग वीडियो बहुत कम देख रहे हैं, बेटा प्लीज वीडियो को देखिए, क्योंकि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं बेटा? आपके लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? आपके लिए कर रहे हैं। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मुझे मानते हो, अगर इस स्कूल को मानते हो तो वीडियो को देखिए बेटा, वीडियो को देखना पड़ेगा। अगर पढ़ना चाहते हो तो वीडियो को देखिए, अगर कुछ करना चाहते हो तो वीडियो को देखिए, अगर रिजल्ट अच्छा चाहते हो तो वीडियो को देखिए, अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को देखिए। वीडियो को ही देखना पड़ेगा बेटा, अभी कोई ऑप्शन ही नहीं है बेटा। प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो को देखिए, वीडियो को देखिए, बार बार कह रहा हूँ वीडियो देखिए, वीडियो देखिए। कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, सबके पास आज स्मार्टफोन है, सबके पास स्मार्टफोन है। यहाँ पर ऐसा कोई बच्चा नहीं पूछ सकता मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है। सबके पेरेंट्स के पास आधा घंटा निकालिए, 1 आवर निकालिए, आधे घंटे में पूरे दोनों वीडियो आप देख सकते हो बेटा। प्लीज देखिए, अगर जीवन में कुछ करना है तो वीडियो देखिए, अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो वीडियो देखिए, अगर इस साल कुछ करना है तो वीडियो को देखिए। देखना पड़ेगा वीडियो को, क्योंकि बेटा इसके अलावा हमारे पास आज की डेट में कोई ऑप्शन नहीं है। कोरोना वायरस बहुत स्पीड से फैल रहा है, बहुत स्पीड से फैल रहा है, इसकी गंभीरता को समझना होगा। इसीलिए कह रहे हैं आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन वीडियो को देखिए। वीडियो तो देख सकते हैं बेटा, हाफ एन आवर का टास्क है, उसको समझ सकते हैं। कोई डाउट्स आइए अपने स्कूल की किसी भी टीचर को कॉल करिए, पर्टिकुलर टीचर को कॉल कर लीजिए, वो आपका डाउट क्लियर करेगा। सारे टीचर मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज वॉच द वीडियो, प्लीज। अगर वीडियो देखोगे ना बेटा, मैं गारंटी लेता हूँ मेरे सीट ओवर आपको नहीं आएगा 100%, मानता हूँ मैं नहीं आ रहा होगा, लेकिन बेटा 50% तो आएगा ना, जीरो से तो ज्यादा है ना। 100 नहीं आएगा, 50% तो आ जाएगा ना। तो 50 तो सीखे अभी जिस सिचुएशन में है। कभी ये नहीं सोचना कि मुझे पूरा ही आए, जितना आ रहा है अभी उसमें खुश रहिए। जो भी डाउट्स लग रहे हैं पूछिए टीचर से, वो बताएंगे आपको। आज मैं पढ़ने से पहले क्यों ऐसी बातें कर रहा हूँ बेटा, 6th क्लास की अटेंडेंस सबसे कम आ रही है। मुझे बहुत दुख होता है कि सारे टीचर इतनी मेहनत कर रहे हैं और अटेंडेंस 50% नहीं चलेगा बेटा। इसे आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, आप ही कर लेंगे। और आप हैं इतने होशियार, आप कर सकते हैं, आप अपने अंदर वो आग जगाइए, आप कर लेंगे, मैं गारंटी देता हूँ। आप हर बच्चे की इंडिविजुअल गारंटी देता हूँ मैं, कर सकते हैं आप, प्लीज करिए। वीडियो को देखिए, खूब देखिए, एक एक भी दो दो बार देखिए। नहीं समझ में आया पूछिए टीचर को, कॉल लगाकर पूछिए, टीचर आपको बताएगा। ठीक है बेटा, अब अपने टॉपिक पर आता हूँ। हमारा टॉपिक जो आज का टॉपिक है वो प्लेइंग विद नंबर्स। क्या टॉपिक है बेटा? प्लेइंग विद नंबर्स। प्लेइंग विद नंबर्स से सबसे पहले मैं दो चीजें आपको बात करूंगा, एक चीज होती है फैक्टर और एक चीज होती है बेटा क्या, मल्टीपल। ठीक है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, उसको समझने का पहले हम प्रयास करेंगे और समझेंगे फैक्टर क्या चीज है और मल्टीपल क्या चीज है। ठीक है, मैंने आपको बोला 24 के फैक्टर निकालिए। क्या निकालिए? 24 के फैक्टर। तो फैक्टर का मतलब क्या होता है इसको समझिए। फैक्टर मींस ऐसा नंबर, ऐसे नंबर्स आपको निकालने हैं जिसकी टेबल में ये नंबर है। मतलब फिर से थोड़ा सा हिंदी में अच्छे से समझाता हूँ कि आपको ऐसे नंबर्स जिसकी फैक्टर निकालना, मतलब ऐसे नंबर्स निकालना है आपको जिसकी टेबल में 24 आता है। 1 नहीं, लेकिन 1 सभी का फैक्टर होता है। ठीक है, 1 इज ए यूनिवर्सल फैक्टर। 2 की टेबल में, मतलब इसको एक लैंग्वेज में और बोल सकते हैं कि आपको ऐसे नंबर निकालने जो इससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, ये भी बोल सकते हैं इससे कंप्लीट डिवाइड हो जाए। 1 इससे कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, 5 होगा क्या? नहीं होगा। 2 और 3 हो रहे हैं तो 6 भी हो जाएगा, 7 होगा क्या? 2 और 4 हो रहे हैं तो 8 भी हो जाएगा, 9 होगा क्या? 10 होगा क्या? 11 होगा क्या? 12 हो जाएगा, 6 और 2 हो रहे हैं तो 12 भी हो जाए और 24 अपना एक खुद का फैक्टर है तो 24 सेल्फ की टेबल में तो आएगा ही आएगा मतलब समझ में आया 24 के फैक्टर निकालना है मतलब आपको क्या करना था ऐसे नंबर लिखना है जिनकी टेबल में 24 आता है। जिनकी 2 की टेबल में 24 आता है, 3 की टेबल में 24 आता है, 4 की टेबल में भी आता है, 6 की टेबल में भी आता है, 8 की टेबल में भी आता है, 12 में भी आता है, 24 में तो आता ही है। इतनी बात समझ में आती है फैक्टर का मतलब? समझ में आया? दो तरीके समझ सकते हैं इसको। फैक्टर मतलब या तो वो नंबर निकालना है जिस नंबर से पर्टिकुलर नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाए या फिर उनकी टेबल में आता हो, एक ही बात होगी। इतनी बात समझ में आती है? चलिए
अब बात करते हैं मल्टीपल की। किसकी बात करते हैं बेटा? मल्टीपल की। मल्टीपल मुझे अगर बोला जाए फाइव के फाइव मल्टीपल निकालने, मतलब इसमें आपको फाइव मिल गया, फाइव फाइव टू जो टेन, फाइव थ्री जो फिफ्टीन, फाइव फोर जो ट्वेंटी, फाइव फाइव जो मतलब इसमें जो मल्टीपल चलेगा, इसमें जो डिफरेंस रहेगा दो नंबर के बीच का, वो हमेशा क्या रहेगा? फाइव। अगर फाइव के मल्टीपल निकालने को बोला है आपको, किसके मल्टीपल निकालने को बोला है? फाइव के मल्टीपल अगर आपको निकालने के लिए कहा गया है तो आपको क्या करना पड़ेगा? फाइव का डिफरेंस रहेगा इसमें। फाइव प्लस फाइव कर दो टेन, टेन प्लस फाइव फिफ्टीन, फिफ्टीन प्लस फाइव ट्वेंटी, या फिर वन टू थ्री फोर का मल्टीप्लाई कर दीजिए। मेरी बात समझ में आती है क्या? फैक्टर और मल्टीपल में बात समझ में आई। मल्टीपल क्या होगा? टेबल होगा, पर्टिकुलर टेबल लिखना है आपको। ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर बोल रहे हैं फाइव का मल्टीपल निकालो, फाइव के फाइव मल्टीपल निकालो, तो फाइव का टेबल आपको फाइव टाइम्स लिखना है। इतनी बात समझ में आ गई अच्छे से, बहुत अच्छे से। अब किसी का इसमें कोई डाउट चाहिए, अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग भी सॉल्व करिएगा उसको। अब मैंने बोला आपको 32 के आप फैक्टर बताइए, क्या फैक्टर होगा 32 का बताइए। वन तो यूनिवर्सल है, टू हो जाएगा, थ्री होगा क्या? इवन नंबर नहीं होगा, थ्री नहीं होगा, फोर हो जाएगा, फाइव होगा क्या? नहीं होगा, सिक्स नहीं होगा, सेवन नहीं होगा, टू फोर हो रहे हैं तो एट हो जाएगा, नाइन होगा क्या? नहीं होगा, टेन होगा, नहीं होगा, इलेवन नहीं, ट्वेल्व नहीं, थर्टीन नहीं, फोर्टीन नहीं, फिफ्टीन नहीं, सिक्सटीन हो जाएगा, देन आपका 32 हो जाएगा। आगे बात समझ में, इसके बीच में कोई आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है, वन ले लो, नहीं मेरे को तो चलेगा। ये इसकी क्या होगा? फैक्टर। क्या होगा बेटा? फैक्टर। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं बोलता आपको, मान लीजिए मैं बोल देता आपको क्या, किसके किसके में 48 बोल देता। मान लीजिए थोड़ा सा टफ लेना चाहता हूँ, मैं कुछ नहीं टफ ले लिया, मान लो थोड़ा सा टफ मतलब 56 ले लिया। चलो टू के डबल में आएगा, आएगा थ्री में आएगा क्या? नहीं आएगा, फोर में आ जाएगा, फाइव में नो, सिक्स नहीं, सेवन यस, एट यस, नाइन नो, टेन नो, इलेवन नो, ट्वेल्व नो, थर्टीन, थर्टीन थ्री या थर्टी नाइन, थर्टीन फोर या फिफ्टी टू नो, फोर्टीन यस, फोर्टीन देन 28। इसके बाद से 28 में 28 टू जब, ये इसके क्या हो जाएंगे? फैक्टर। क्या हो जाएंगे बेटा? फैक्टर। इतनी बात समझ में आती है अच्छे से? तो आपको फैक्टर निकालना आना चाहिए। फैक्टर निकालना मतलब जिस जिसकी टेबल में वो पर्टिकुलर नंबर आता हो, या फिर वो इस टू से इस कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, यहाँ जितने भी नंबर लिखे हैं इससे ये नंबर जो है कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है अच्छे से? चलिए अब दो चीजें हैं मेरा, एक होती है एलसीएम और एक होती है एचसीएम। क्या है ये दो चीजें? एक होती है एलसीएम एंड एक होती है एचसीएम, ठीक है। इनके क्वेश्चन हम कल सॉल्व करेंगे, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा आज हम इसको पढ़ेंगे। एलसीएम क्या होता है बेटा? एलसीएम को फुल फॉर्म बताएगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है बेटा? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। मल्टीपल आ गया, अगर हमने मल्टीपल पढ़ा है, क्या होता था मल्टीपल पढ़ाया भी हमने, मल्टीपल वर्ड आ रहा है इसमें बार बार, ठीक है। इतनी बात क्लियर होती। अब समझना मेरा, आपको बोला जाए 24 और 48 का एलसीएम निकालना, मान ये बोला जाता है, तो इसमें करना क्या होता है? इसमें आपको एलसीएम इसके मल्टीपल निकालना है, जो इसके सबसे लोवेस्ट मतलब छोटे से छोटा नंबर जो इससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, इसके फैक्टर इसकी टेबल में आ जाए, उसको बोलते हैं हम क्या? क्या बोलते हैं बेटा? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम बोलते हैं। उसके बाद बेटा होती है हमारा एचसीएम। क्या होता है बेटा एचसीएम? इसका मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है बेटा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें ग्रेटेस्ट बोल दो, हाईएस्ट बोल दो, बड़े से बड़ा नंबर लेते हैं। क्या लेते हैं? बड़े से बड़ा नंबर लेते हैं और उसका कॉमन फैक्टर हम निकालते हैं।
कल हम इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्लीज वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए। कोई भी डाउट है मेरा पर्सनल नंबर सभी के पास है 8269769141 पर मुझे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।